सीने में दर्द, गैस, एसिडिटी और हार्ट अटैक, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे लोग जिनको हार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, उनको लगता है कि भाई मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊँगा। उनको एक्चुअली रहती है एंग्जाइटी न्यूरोसिस, मगर उनको हरदम डर लगता है कि मुझे अटैक आएगा और मैं मर जाऊंगा। और फिर उसमें होता क्या है कि उनको बीच बीच में कभी कभी सीने में दर्द होता है, चेस्ट में बाएं तरफ, कभी दाहिने तरफ, कभी कंधे पे दर्द होगा, कभी एसिडिटी होंगी, कभी गैस उनका पेट से ऐसा ऊपर ऊपर आएगा। और उन्होंने यह सुना ही रहता है कि भाई एसिडिटी होती है और एसिडिटी हुई और बाद में उसको अटैक आ गया, मर गया, या सीने में दर्द हो गया, फिर वो दर्द बाएं तरफ गया, अटैक आ गया, मर गया, मतलब ऐसा उन्होंने सुना रहता है। तो फिर थोड़ा भी कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, तुमको लगता कि आ गया अटैक, फिर वो तुरंत दौड़ते फिजिशियन के पास में जाएंगे, ईसीजी निकालेंगे, बार 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 उनको पूछेंगे कि भाई आ गया अटैक, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, अटैक तो नहीं है, ऐसा बार बार ये करेंगे। तो इसमें हमको ये देखना है कि भाई ये एक्चुअली बीमारी है। एक तो एंग्जाइटी न्यूरोसिस विथ ऑब्सेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है, या उनको डेथ फोबिया रहता है और ऑब्सेशन है, उसके बारे में विचार बार बार आते हैं और उसके वजह से ऐसा होता है। और ये लोग तो फिर घूमते रहते हैं डॉक्टरों की तरफ और बार 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 उनको ये लगता है कि मैं मर जाऊंगा। अभी आज ही सुबह एक लेडी का फ़ोन था, उसने बोला कि 5 साल पहले उसका एक एबॉर्शन हुआ और एबॉर्शन के तुरंत बाद उसको ऐसा लगा कि मुझे अटैक आएगा, मैं मर जाऊंगी। उसको ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ भी कभी भी हो सकता है, मैं मर जाऊंगी, अटैक आएंगे और मर जाएंगे। मतलब उसको बाथरूम में भी जाना है तो दरवाज़ा बंद नहीं करेगी, उसको लगता है कि मैं अंदर मर गई तो बाहर कैसे निकालेंगे, मतलब दरवाज़ा बंद नहीं करेगी, या लेटरिन जाएंगे तो दरवाज़ा बंद नहीं करेंगी। 5 साल से चालू है, कहीं बाहर नहीं जाएंगे अकेले घूमने के लिए, अकेले कमरे में नहीं रहेंगी, बाकी सब ठीक है, मगर डर बार बार इतना बैठा। फिर उसको सीने में दर्द होता है, फिर डॉक्टर के पास में जाना है, ईसीजी निकालना, बार बार वही चालू रहता है कि भाई मेरे को अटैक आएगा, मैं मर जाऊंगी। तो एक्चुअली ये लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, मगर इनको ट्रीटमेंट दिया नहीं, एंग्जाइटी न्यूरोसिस की है या फोबिक न्यूरोसिस जो भी है, वो ट्रीटमेंट दिया नहीं तो उनका जीवन बहुत परेशान, मतलब रहते हैं वो खुद रहते हैं, घर वाले लोग परेशान रहते हैं, घर वाले लोग बोलते भाई तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा हमने करना, फिर आपसी संबंध खराब हो जाते हैं, या खुद काम नहीं करते रहते, और फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके आपसी संबंध में, प्रोडक्टिविटी में, कमाई में, ऐसा सब जगह इनका प्रॉब्लम होता है। इनको इलाज जो है वो है मेडिसिंस, और दूसरा उसको हिप्नोथेरेपी देना चाहिए। हिप्नोथेरेपी मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जाके जो डर बैठा हुआ है कि मैं मर जाऊंगा, और वो जो एक पक्का विचार जाके बैठा हुआ है कि मैं मर जाऊंगा, अटैक आएगा, मैं मर जाऊंगा, उसको निकालना पड़ता है। और उसको निकालना है बोले तो जितनी निकालने की कोशिश करेंगे उतना वो पक्का बैठा है, तो उसको निकालने का नहीं है, उसको वहीं रखने देना है, उसका महत्व जो है, उसका इम्पॉर्टेंस जो है वो कम करना है। और वैसे ही रैशनल इमोटिव थेरेपी जो है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके माध्यम से भी ये ठीक हो सकता है, हिप्नोथेरेपी से भी ठीक हो सकता है, मेडिटेशन से ठीक हो सकता है, और साथ साथ मेडिकेशन से ठीक हो सकता है। हम साइकोथेरेपी देते हैं उसको, और साइकोथेरेपी में चर्चा के माध्यम से भी पेशेंट को काफ़ी आराम पड़ता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मेरा ऐप है, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुफ्त में सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। और ये वीडियो के बारे में यदि आपको कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर हमें कंसल्ट करो, नीचे नंबर दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।